चलिए अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों आपसे। क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया गया वाई और एक्स के बीच का रिलेशन, वाई कोड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और आपसे स्लोप के बारे में पूछा गया 2, 2.5 और 3 पे। आप बताइए स्लोप कितना होगा। तो देखिए जब वो आपसे पूछते हैं स्लोप बताइए, तो टेक्निकली स्लोप की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, सर वाई और एक्स के चेंज का रेशियो। बेसिकली ये रेट भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू द एक्स ही बोल सकते हो, पर जब तुम ग्राफ के रिस्पेक्ट में चलते हो तो उस परस्पेक्टिव में ये आपका स्लोप हो गया। तो स्लोप बच्चे निकालना, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अगर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लिखते हैं तो सिंपल सा डिस्कशन आता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, 5x का डिफ्रेंशिएशन माइनस फाइव और 6 का डिफ्रेंशिएशन जीरो। तो टेक्निकली एक बार पूछे सर इस बार ग्राफ है और स्लोप वेरिएबल आ रहा है, हाँ सर आना भी चाहिए था, जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करोगे स्लोप चेंज होता जाएगा। वो आपसे स्लोप पूछे तो एट एक्स इक्वल टू 2 कितना होगा, एक्स इक्वल टू 2 पे स्लोप की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होगी, 2 × 2 − 5, 2 × 2 − 5 कितना आ गया −1। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। एम इक्वल टू 2.5 के लिए अगर देखा जाए तो 2 × 2.5 − 5, तो स्लोप कितना हो गया बच्चे यहाँ पर 0। और अगर आपसे 3 पे पूछा जाए तो एम की वैल्यू +1, तो आपको ग्राफ क्लियर है कैसा आएगा। सर कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है कि पहले स्लोप कैसा बेटा नेगेटिव और फिर स्लोप कैसा है पॉजिटिव, तो सर कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बना। ओके ये ग्राफ आएगा बच्चे को, पूछे सर एक्स इक्वल टू 2.5 पे क्या मिलेगा बच्चे, आपको स्लोप 0 मिलेगा। 2.5 से पहले स्लोप कैसा होगा बच्चे, तो आप बोलोगे नेगेटिव है, और 2.5 के बाद कैसा स्लोप होगा तो बोलोगे पॉजिटिव। क्लियर सर? क्या हमारे पास डिफ्रेंशिएशन में कुछ और भी नई चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं? तो हमारे पास आते हैं हायर डिफ्रेंशिएशन। हायर डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या हुआ बच्चे, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दे, डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ प्राइम एक्स। प्राइम लगाने है मतलब एक इंडिकेशन है कि आपने उसे एक बार डिफ्रेंशिएट किया। क्या मैं जो नया फंक्शन आया होगा जो भी आया होगा क्या उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, और पढ़ा ऐसे जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक एरो आप और लगा देते हैं तो आपने कहा सर एफ प्राइम डबल प्राइम एक्स। तो ये जितने आप प्राइम लगाते जाएंगे उतना आपका उतने डिफरेंशिएशन हो चुके। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और क्या सर हम इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यस सर डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, और ये वैल्यू एफ ट्रिपल प्राइम एक्स से आएगी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? छोटा सा क्वेश्चन तक, हायर ऑर्डर के डिफरेंशिएशन क्या पॉसिबल हैं? हाँ सर डी वाई बाई डी एक्स भी पॉसिबल है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉसिबल है, डी थ्री भी पॉसिबल है, और भी पॉसिबल है, पर अपने को जितनी ज़रूरत है उतनी ही देखा जाए। डी वाई बाई डी एक्स बेटा कितना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 10x, और 6x का कितना हो जाएगा 6। क्या ये जो फंक्शन आया डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस डिफरेंशिएट करेंगे 6x माइनस 10 आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर सिंपली कितना आ जाएगा प्लस 6। तो जितना आप चाहें उतनी बार बेटा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैथ्स में हो सकता है आपको लगे कि सर डिफरेंशिएट कितना भी कर सकते हैं, पर जब फिजिक्स में आते हैं तो जो चीज़ आप कर रहे हो उसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। ओके क्लियर है? तो मैं छोटे छोटे लेक्चर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना, मैं उस लेक्चर की उस रिकॉर्डिंग हेडिंग भी डालता जाऊँगा। ओके